नमस्ते स्टूडेंट्स, ये मेरा वीडियो जो है क्लास 9 वालों बच्चों के लिए होगा। क्लास 9 का जो बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप लोगों को पढ़ना होता है टिश्यूज़ के बारे में, हम वही इस चैप्टर में आपको कवरअप कर रहे हैं। जबकि जो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी हम ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम उसको भी कवरअप नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वो चैप्टर भी चाहिए तो ज़रा बताइएगा। तो देखिए, इस वीडियो को, इस चैप्टर में हम आपको दो हिस्सों में पढ़ाएंगे। पार्ट ए में हम आपको पूरा प्लांट टिश्यू पढ़ाएंगे, इस वीडियो में आपको प्लांट टिश्यू मिलेगा। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट रहेगा, जिसका नाम है एनिमल टिश्यू, अगर आपको वो चाहिए तो ज़रा हमको बताइएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो डाल देंगे ऑन योर डिमांड ओनली। अगर आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपको पसंद आया, आपको चाहिए, आपको जानना है, तो हम ज़रूर डालेंगे, वरना देखा जाएगा। ओके, तो चलिए पार्ट ए जो अपना प्लांट टिश्यू, इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आप ज़रा देख पा रहे हैं कि हम इस पार्ट मतलब इसमें क्या क्या, इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है, प्लांट वाले पोर्शन में पूरा एक साथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। और एक और बात, यहाँ पर आपको लेक्चर के साथ साथ आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा। और ये बेस्ट नोट है आई बिलीव, क्योंकि ये पूरा NCERT बेस्ड हम लिखे हैं, और एक्स्ट्रा जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा हम वो भी ऐड करके लिखे हुए हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं तो अपना मेन टॉपिक की ओर, और एक एक करके आप देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ टिश्यू? एक ग्रुप या तो क्लस्टर कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यू। और कुछ टिश्यू का एग्जांपल अगर आप पूछते हैं तो हम यही कहेंगे ब्लड टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सारे टिश्यू ही होते हैं। आप इस चैप्टर में बहुत सारे टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, अब सबसे पहला चीज़ कि सर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेन हम वर्ड्स बताते चल रहे हैं। जो प्लांट टिश्यू होता है ये स्टेशनरी होता है, या तो आप इसको फिक्स्ड कह सकते हो, जबकि जो एनिमल टिश्यू होता है वो मोबाइल रहता है, मतलब मोबिलिटी रहता है, वो मूवेबल रहता है, आपको पता ही है। देन जो प्लांट टिश्यू होता है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये जो बनता है वो सिंपल लेवल का रहता है, लेकिन जो आपका एनिमल टिश्यू है कॉम्प्लेक्स लेवल के बॉडी होते हैं। थर्ड, जो आपका प्लांट टिश्यू होता है ये कन्फर्न्ड रहता है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही ग्रोथ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैक्टस ढूंढिएगा तो ये डेसर्टिक रीजन में पाया जाएगा, बट ह्यूमन ऐसा नहीं, ह्यूमन हर प्लेसेस में आपको पाया जाएगा। नेक्स्ट है, जो आपका प्लांट टिश्यू होता है इसके टिश्यूज लिविंग भी हो सकते हैं, डेड भी हो सकते हैं, ये भी आप आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, जैसे कि पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कुछ डेड है तो कुछ ज़्यादातर लिविंग भी होते हैं, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में सारे टिश्यूज़ क्या होते हैं, वो लिविंग होते हैं। अगला चीज़ अगर पूछेगा तो देख सके, आप जानते हैं कि प्लांट टिश्यू मूव नहीं करता, वो स्टेशनरी रहता है, इसीलिए उनमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कमी होता है, वो लेस एनर्जी को यूज़ करता है, जबकि एनिमल टिश्यू जो होता है ये मोर एनर्जी को यूज़ करता है। ओके, और भी बाकी सारे आप देख सकते हैं, ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा लिंकती हो जाएगा, हम बनाना नहीं चाहते। ओके, अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज की ओर, आप ज़रा देख लीजिएगा, स्लाइड को हम चेंज कर रहे हैं। ओके, देखिए, जिस तरह प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू होता है, उसी तरह प्लांट टिश्यू के अंदर में भी अब दो होता है, एक का नाम है मेरिस्टमेटिक टिश्यू और एक का नाम होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जिसका सेल्स अब और डिवाइड कर सकता है, वो ग्रो कर सकता है, बट जो परमानेंट टिश्यू होता है वो कभी डिवाइड नहीं होता, उनका सेल्स जो है डिवीजन रुक जाता है उनमें। ओके, देन मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो होता है ये यंग होता है और ये मैच्योर्ड हो जाता है। जो मेरिस्टमेटिक होता है इसका सेल वॉल थिन होता है, जबकि परमानेंट का वो थिक होता है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वो सिंपल टिश्यू कहलाता है, जबकि परमानेंट में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों होता है। ओके, देन मेरिस्टमेटिक के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होता है, मतलब अंदर के जो केमिकल एक्टिविटीज़ होता है, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये जो होता है ये हाई रेट पर होता है, जबकि परमानेंट में ये स्लो डाउन हो जाता है। ओके, एंड सेल्स जो होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, जबकि परमानेंट में जो है सेल्स पूरी तरह डिफरेंशिएटेड होते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, जस्ट लाइक इन ह्यूमन। ह्यूमन में अगर आप देखिएगा, नर्व सेल जो पाया जाता है ब्रेन में, आपका न्यूरॉन्स जो आप लोग कहते हैं इसका अलग फंक्शन रहता है, जबकि किडनी में जो नेफ्रॉन्स रहता है इसका अलग फंक्शन रहता है। तो इंसान का जो बॉडी है इसमें जो सेल्स है डिफरेंशिएटेड होता है, जबकि प्लांट्स के जो स्टार्टिंग फेज जो होता है मेरिस्टमेटिक टिश्यू, इनका अनडिफरेंशिएटेड रहता है। ओके, यहाँ पर आप मेरिस्टमेटिक टिश्यू के में और डेप्थ में आप जान सकते हैं, यहाँ पर हम पोर्न लिखे हुए व्हाट इज़ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। उसके बाद मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं। ओके, तो तीनों प्रकार ज़रा जानते हैं, सबसे पहला एपिकल मेरिस्टम, दूसरा लैटरल मेरिस्टम और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब चलिए इन तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो प्लांट के जो कहते हैं ना स्टेम्स और रूट्स के टिप्स में पाते हैं, और ये मदद करता है प्लांट्स को ग्रोथ में, मतलब लंबाई में मदद करता है। ओके, दूसरा जो है आप देख सकते हैं लैटरल मेरिस्टम जो होता है वो साइड में पाया जाता है, रूट्स के साइड में और स्टेम्स के साइड में, जिससे उसका मोटापा बढ़ता है। इंग्लिश में कहे तो गर्थ ऑफ द जो गर्थ ऑफ द प्लांट है उसको मदद करता है, मतलब एपिकल लेंथ में मदद करता है और लैटरल जो है गर्थ में मदद करता है। तीसरा जो इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसका देखिए बेस्ट एग्जांपल बताते हैं, जब गाय घास खाता है उसके बाद भी घास वहाँ पर तुरंत तुरंत उग जाता है, ऐसा नहीं होता कि घास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये क्यों हो पा रहा है,
बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये नोड्स एंड इंटरनोड्स पर पाया जाता है और इसके कारण ये तुरंत तुरंत ग्रो होते रहता है। ओके, तो ये थीन था पहला, जो कि किसके अंदर आता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू के अंदर आता है। मेरिस्टमेटिक किसके अंदर आता है, प्लांट टिश्यू के अंदर आता है। एक और बार समझाते हैं, मतलब प्लांट टिश्यू को दो हिस्सों में बांटा जाता है, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। और मेरिस्टमेटिक के अंदर में भी तीन होता है, यही हम अभी आपको पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह भी आपने पढ़ा कि परमानेंट मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप्स में डिवाइडेड होता है, उसके बाद जो परमानेंट होता था, याद कीजिए, प्लांट में मेरिस्टमेटिक और परमानेंट। जब परमानेंट होता है, ये भी आपका दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक को सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल जो है, इसको फिर से तीन में बांटा जाता है, एक को पैरेन्काइमा, एक को कोलेन्काइमा और एक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है जाइलम, फोइलम, और इन दोनों के भी चार पाँच पार्ट्स होते हैं। आप ये सारा इस चैप्टर में पढ़िएगा। ओके, तो चलिए अब शुरू करते एक वर्ड से जिसका नाम है डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे, सबसे पहले ही लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब एक प्लांट जब मेरिस्टमेटिक से जब क्या कहते हैं, जब उसको परमानेंट में वो कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के दो थे, जिसे हमने बोला सिंपल और कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल के अंदर में भी तीन होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर में दो होता है। तो अगर आपको देखो सब बेसिक लैंग्वेज हम लिखे हैं, आप चाहिए तो पढ़ लीजिए सिंपल और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, तो पढ़ लीजिए। सिंपल जो होता है, वैसे टिश्यू होता है जो कि केवल वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, मतलब कोई एक ही टाइप के सेल रहेंगे। ऐसा नहीं कह रहे कि एक ही सेल रहेगा, हम कह रहे हैं एक टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं। ओके, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हम लोग मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स है, किडनी में नेफ्रॉन्स है, तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से ये हैं। ओके, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो तीन नाम बोले, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो कि क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू के थ्री टाइप्स है। इनमें डिफरेंस अगर आप एक ही बार में जानना चाहते हैं सिंपल वे में, तो यहाँ देख सकते हैं। जो आपका ये पहला पैरेन्काइमा जो होता है, ये आपका फूड स्टोरेज का काम करता है। कोलेन्काइमा जो होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, प्लांट्स को हार्ड एंड स्टिफ बनाता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल भाषा है, ज़रा सोच लीजिए। जो प्लांट में जो खाना स्टोर होता है, वो किसके बदौलत होता है, पैरेन्काइमा के कारण। जबकि कोलेन्काइमा का काम होता है प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, जिसके कारण वो धूप ले सकता है, मतलब जहाँ से धूप आए उसी तरफ मुड़ जाता है। इसको फोटोफ्रिडिज्म भी कहा जाता है, आप ये आगे पढ़ोगे। एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिसके कारण प्लांट हार्ड होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। इसके बाद अगर आप इस साइड आइएगा कि सर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपने दो बोला था, जाइलम एंड फोइलम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये देख पा रहे हैं। जाइलम जो होता है वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फोइलम जो होता है फूड एंड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, और भी डिफरेंस लिखे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं तीनों को, कौन तीनों को, मतलब जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू था, जो कि परमानेंट टिश्यू के अंदर आता है, जिसमें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा आता था, इन तीनों को आप चाहिए तो डेप्थ में यहाँ पढ़ सकते हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते। देखिए, अब आँख से देखिए, सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स को हम अंडरलाइन किए हैं रेड पेन से, और यही आप जान लीजिए। बस आपको यही एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा पूरे पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर से लिखे, तो आपको लिख के आ जाना है कि ये पैकिंग टिश्यू होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल से बनता है, ये थिन सेल वॉल से बनता है, ये लिविंग सेल से बनता है, ये लूजली पैक्ड रहता है, ये लार्ज सेलुलर स्पेस में पाया जाता है, ये प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ फूड स्टोर करने में मदद करता है। अब एक और बात है, ये पैरेन्काइमा भी दो टाइप्स के होते हैं, एक का नाम होता है क्लोरेन्काइमा और एक का नाम होता है आयरेन्काइमा। आप यहाँ देख पा रहे हैं सब लिखा हुआ है। ओके, क्लोरेन्काइमा कब कहेंगे, जब यही पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल पाया जाता हो और वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता हो, तो उसको क्लोरेन्काइमा कहेंगे। लेकिन जब ये पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में पाया जाता हो और वो फ्लोटिंग में हेल्प करता हो, ब्योंसी, मतलब एक ब्योंसी फोर्स होता है जो कि अपवर्ड फोर्स कहा जाता है, जो पानी से नीचे से ऊपर की ओर लगता है, जबकि ग्रेविटी ऊपर से नीचे की ओर लगता है। तो जब एक्वेटिक प्लांट्स में कोई चीज़ फ्लोट कर रहा है, तो वो ब्योंसी फोर्स के कारण भी कर रहा है। तो ऐसे प्लांट्स को जो होता है जिसमें ये पावर मिलता है, उसको हम लोग आयरेन्काइमा कहते हैं। और अगर आगे आप बढ़ते हैं तो देख पा रहे हैं यहाँ पर कोलेन्काइमा अगला है, फिर स्क्लेरेन्काइमा है। चलिए अब इनके बारे में जल्दी से ज़रा सुनते हैं। तो अगला कोलेन्काइमा के बारे में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये ईसी बेंडिंग में मदद करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कहाँ पाया जाता है, ये लिविंग होता है, एलोंगेटेड होता है, इररेगुलर होता है, वेरी लेटर इंटरमोलिकुलर स्पेस में पाया जाता है, ये उतना भी लूजली पैक्ड नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जाने तो ये हार्ड एंड स्टिफ होता है और ये डेड सेल्स होता है। ज़रा याद कीजिएगा, जो पहला दो बोले पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये दोनों क्या होता है, ये डेड होता है, सॉरी लिविंग होता है, जबकि ये तीसरा जो बोल रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड होता है। ये लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ये लिग्निन के कारण होता है, ये इसका सेल वॉल थिक हो जाता है, इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये टाइटली पैक्ड होता है। मतलब एक चीज़ सोचो ज़रा, अगर आप ये ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको वो चीज़ याद आएगा, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर आपने पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, सेम चीज़ यहाँ पर भी चल रहा है। मतलब तीन नामे हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अगला आपको जो इस चैप्टर पढ़ना होता है वो एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना होता है। इसमें से एक सवाल आने का चांसेस है। ओके, तो ज़रा देखते हैं एपिडर्मिस क्या है। तो आप पढ़ पा रहे, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स कहा जाता है। सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। और देखिए, अगर आपके स्कूल में अगर टीचर है तो उनसे सर एक सवाल पूछेगा, ये इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि सर आपने तो पहले चैप्टर पढ़ा कि सेल के जो आउटर लेयरिंग होता है उनको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि सर एपिडर्मिस को कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में कौन होता है आउटर मोस्ट सेल? क्या दोनों सेम है, क्या दोनों अलग है, या कुछ और बात है? ज़रा ये पूछिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनता है, इनका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। हम वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहते, सारा नोट्स आपके आगे ही पड़ा हुआ है, आप ये पढ़ लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। ओके, और इस तरह ये लास्ट स्लाइड रहेगा अपना प्लांट टिश्यू का, और इस तरह प्लांट टिश्यू यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब देख पा रहे हैं, अब इसमें आपको सबसे अंत में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम थोड़ी देर पहले ही आपको समझाए थे, एक बार और फिर से बता रहे, जरा सुनिएगा कि प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू होता है। प्लांट टिश्यू के अंदर में भी फिर दो होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू और आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टमेटिक के अंदर में भी तीन होता था, एपिकल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, और परमानेंट के अंदर दो होता था, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर में तीन होता था, पैरेन्केमा, क्लेरेन्केमा, स्क्लेरेन्केमा एंड कोलेन्केमा, ये तीन आप पढ़े। और यहाँ पर आप फिर अब सुनने वाले हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर में दो होता है, जिसका एक है जाइलम और एक है फोइलम। थोड़ी देर पहले हमने फंक्शन भी बताया था, जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जबकि फोइलम जो है वो आपका फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं कि जाइलम के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, जाइलम का कितना पार्ट्स होता है, फोइलम का क्या क्या नाम होता है, उन सब का फंक्शन क्या होता है। इवन इतना तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया, आपको ये यूज़फुल रहेगा, मोर देन इनफ रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो यही सब था आपका पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा क्लियर होता है, जिसका नाम है प्लांट टिश्यू। फिर भी अगर कुछ डाउट रहा तो बताइएगा, और वीडियो चाहते हैं आगे वाला जो एनिमल टिश्यू है तो ज़रा वो भी आप हमसे बताइएगा। और एक चीज़ हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि ज़रा प्लीज़ सबसे आगे जाएगा। ये जब वीडियो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले आपको एक स्लाइड रखा गया था जिसमें फ्लो चार्ट दिया गया, ज़रा उस फ्लो चार्ट को ज़रा आप जाके देखिए, कुछ समझ आया कि नहीं आया ज़रा बताइए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जो भी कहते हैं शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बिगिनर हैं, हम भी चाहते हैं कि ग्रो करें, इसलिए हम आपसे यही कह सकते हैं और क्या, बस साथ दीजिएगा, थैंक यू। और इस चैनल में आपको और भी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, जैसे कि एनडीए है और फैक्ट्स वाला तो हम स्पेशली अलग बनाए, तो प्लीज़ सब देखिएगा और हेल्प कीजिएगा, बस यही कहेंगे, थैंक।